जहां पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं अलग अलग पार्टियां अपना चुनाव प्रचार कर लोगों को संबोधित कर रही हैं। आज फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिले के अलग अलग जगहों पर जनसभाओं का आयोजन किया गया। इन जनसभाओं को आप नेता सुखपाल सिंह खैरा ने संबोधित किया। जब आप नेता सुखपाल सिंह खैरा से पूछा गया कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आप कांग्रेस में दोबारा जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यह अफवाहें उनकी विरोधी पार्टी वाले फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरासर झूठ जी। मैं हूँ इलेक्शन फाइनल गेड़ा में पहुंच रही है, तो मैं स्टेजा के उत्ते आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा। यह सारा साढ़े विरोधियों की क्रिएशन है, जान बुझ के एक कन्फ्यूजन ऐड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जिहड़े लोग मैनू जानते हैं, दे ऑलसो नो दैट आई एम कमिटेड टू वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि कपूरथला बुलद हल्के में जो कांग्रेसी वर्कर आपस में भिड़े हैं, वो बाहरी उम्मीदवार का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके चलते एक दूसरे को गालियां दी गई और पगड़ियां भी उतारी गई। यह सब कुछ कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह के सामने हुआ और इसकी FIR भी दर्ज हुई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की लंबी रैली के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को लंबी में अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे हैं, जबकि रैली करने के लिए आज्ञा तो नहीं दी जा रही, लेकिन कल रैली होकर ही रहेगी। अरविंद केजरीवाल हुणी लंबी मुख्यमंत्री दे हलके च रैली करन जा रहे, और साढ़े बहुत रुकावटां पाईया गईया, परमिशन नहीं दे रहे, सेंक्शन नहीं, बट और विच दयाल सिंह कोड़ियां वाला जिहड़ा के बादल दे परिवार दा एक एजेंट है, हथ टुका वा उन्हां दे रेता बजरी वगैरह दे पैसे इकट्ठे करदा, वो साढ़े वर्करां नूं डराउंदा वा, उत्थे धमकाउंदा वा। असीं ताड़ना करदे इदां दे बदमाशां नूं कि कल 28 तरीक नूं साडी अवश्य रैली उत्थे होवेगी, जिसने रोकना वा जोर ला लैण, अरविंद केजरीवाल कल लंबी विच सभा नूं एड्रेस करनगे।